से बर्फ गिर गया उत्तरकाशी में हुई थी ना। और कौन कौन जगह में? उत्तरकाशी में, केदारनाथ में। अच्छा, हरसिल में ये है कि ये इतना चौड़ा जगह है ना, तो पानी निकल गया आराम से। ये वाला जब पुल है, ये पार करने के बाद ही शुरू हो जाता है हरसिल गांव। ये गंगा रिवर है और ये है हरसिल गांव। तो हरसिल में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटा मोटा होम स्टे और होटल मिल जाएगा आपको। पैदल ही जाना पड़ेगा, जैसे आगे जाना पड़ता है। और नहीं, इधर ही झरना है, उधर भी झरना है, पैदल जाके अगर जाना है उधर झरना है। तो हम आ चुके हैं अभी हरसिल गांव में और ये यहाँ का व्यू। और ये चलिए तो अमिता हरसिल पे आकर एक रॉक है जहाँ पर क्लाइंब कर रहा है, वो बहुत ही बढ़िया। वाह, खूबसूरत। और थोड़ा सा हरसिल में एक्चुअली ऐसे बहुत सारे रॉक है जिसमें आप क्लाइंब कर सकते हैं। तो यहाँ पर घूमने लायक बहुत सारी जगह है, जो भी एडवेंचर लवर है वो यहाँ पर आके बहुत सारा ट्रैकिंग एक्टिविटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बस थोड़ी ही दूर में देखिए ये वाला जो सामने वाला जो पहाड़ है, इस पर तो इसके चोटी पर पूरा बर्फ़ जम चुका है अभी। यहाँ से लेकर जितनी भी चोटी है सब में अभी बर्फ़ गिर चुका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये है यहाँ का लक्ष्मी नारायण मंदिर और व्यू देखिए क्या कमाल का व्यू है। चीड़ का पेड़ है और बहता हुआ ये नदी, खूबसूरत नदी। और ये एक छोटा सा ब्रिज है। यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, कभी अगर धूप निकली है तो तेज़ धूप निकली और थोड़ा सा धूप छुप जाता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और ये देखिए यहाँ से बहता हुआ पानी है और वो देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत जगह है। यहाँ से जो व्यू है ये वाला जो ब्रिज यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और देखता हूँ वहाँ पर क्या मिलता है। मंदिर मस्जिद आगे भी मस्जिद, मंदिर मस्जिद की जगह बहुत कुछ किसी अगर मंदिर को पिक पॉइंट पूछ जाओ बेटा এখনই বরফ পড়ে গেছে সালা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি তো কোনোদিনই গলে না ওটা মনে হয় ওইখানেই থাকে। আর হ্যাঁ ইয়ে দেখি না স্যার, ওখানে কি বাড়ি ঘর আছে ওই সব সাইডে? হ্যাঁ যে বাড়ি ঘর না না ওটা ওই যে বরফ বরফ পড়ছে না বাড়ি ঘর হবে আছে কি? হরসিল কা যে গাঁও হয় ও বহুত হি খুবসুরত গাঁও হয় আর মতলব চারো তরফ পাহাড় হে আমাদের তো আর এরকম এত পাইন ট্রি হে মানে ঠিক আছে দর্শন আর এই যে ঝর্ণে হে আর নদিয়া হে ও ভি खूबसूरत लग रही है। और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, जो बर्फ है वहाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने और एक ब्रिज है जो कि लोहे का ब्रिज है और
उस तरफ जाने से पड़ेगा आपको, एक फॉल्स देखने के लिए मिलेगा, जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हवा है तो शायद आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब एडिटिंग करूँगा तभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन खूबसूरती गजब का है। और हाँ, जो यहाँ पर जाने के लिए जो रोड बनाया है वो भी बहुत ही अच्छा रोड बना है। ये देखिए ये वाला जो रोड है, ये रोड है देखिए, बर्फ़ की हवा चलने की वजह से ये सारे पत्ते एक तरफ चले गए। ये देख रहे हैं इतना ठंडी हवा चलता है। देखिए ये पेड़ का एक साइड में जितना भी पत्ता था सभी उस साइड में चला गया। यहाँ का रॉक देखिए कितना खूबसूरत रॉक है। यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है जो कि बगेरी ग्राम के बारे में है और ये उत्तराखंड टूरिज्म का कुछ लिस्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, देख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है। तो बगुदा और एक घर में आए तो वहाँ पर एक स्वेटर देख रहा हूँ। यहाँ पर अच्छा घूमने की जगह कौन सी है? मतलब कोई फॉल्स वगैरह है? कोई फॉल्स वगैरह है, झरना वरना? मतलब कोई सामने कोई झरना वरना है? झरना तो है नहीं, क्या झरना? वाटरफॉल है? वाटरफॉल तो नहीं है, एक ऐसे पानी आता वहाँ से, यहाँ से दिखे आपको झरना भी। आज का पानी मतलब कम होता है बरसात में, मतलब पानी कम हो जाता है। अच्छा, ये होम स्टे है? अच्छा, होम स्टे है। हाँ जी, कर सकते हैं ना। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, फिर हम वो शूट कर रहे हैं। ओके भाई, कम लो दादी, फिर छाछ दो। तो ये एक होम स्टे है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हो जाएगा सर, बड़ा होगा दीदी, थोड़ा बड़ा किए ना तब गड़ता है और दो ही। छोटा नहीं है? नहीं सर, छोटा नहीं है, ये सारे छोटे एकदम छोटा छोटा बच्चा पर है। एकदम छोटा नहीं है, थोड़ा छोटा बड़ा साइज होता है ना। नहीं नहीं, छोटी चाहिए। हाँ, एकदम छोटा नहीं है। खेलो मैं छोटा सा है, है बोल रहा हूँ, वहाँ देख लो, उन वहाँ जा रहे हैं। क्यों ना मैं? हाँ तो, है। हर्षिल के गांव में शॉपिंग कर रहे हैं और दीदी क्या है? क्या है? कुत्ता से नहीं जाएगा। आप यही पे लेके आइए, कुत्ता है। अरे काटेगा नहीं तो। हाँ इधर आइए। एकदम छोटा बच्चा की, बिल्कुल छोटे तो नहीं है, बिल्कुल छोटी चाहिए, बिल्कुल छोटे बुंदे नहीं है। अच्छा, ये बड़ा आदमी से छोटे, मतलब बच्चे के लिए, दो तीन साल बच्चे के लिए। इतना छोटा कहाँ नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, या तो डिमांड देना पड़ेगा तब बनेगा। ये भी पेन पूरा दे। अच्छा, ये कितने का है? ये बड़ा है ना। ये कितना छोटा? छोटा। ये वाला कितना का है? ₹100। ₹100 तो बड़ा वाला लिया, तो थोड़ा तो छोटे है और क्या। थोड़ा कम ले लीजिए, बाजार में जाएंगे बच्चों के कपड़े कितने हो रहते हैं। नहीं तो थोड़ा कम लीजिए। वो क्या लेडीज स्वेटर है? जेंट्स है। लेडीज स्वेटर है कुछ? लेडीज नहीं है, माँ के लिए थोड़ा छोटे का, छोटा ही साइज का कोई लेडीज छोटा और है, छोटा छोटा स्वेटर है, यही होगा छोटे तरह छांट के। ऐसे थोक में ले जा ना हमारा सामान, ये छांट के छोटे छोटे रखो। बड़ा है, बड़ा है ना? बड़ा है।
50 में कहाँ मिलेगा? 80 का तो है। 80 ये 100 है। ये 100 है? बड़ा आदमी का 100 में बिक रहे। अच्छा, पार नहीं पूछा, पार पूछते था ना बाजार में, मार्केट में। बाजार नहीं गए थे हम लोग। क्यों नहीं गए? आप कहाँ से आए? हम लोग तो वेस्ट बंगाल से हैं। नीचे से तो आए हो, इस रास्ते से। हम लोग बाजार में ट्राई नहीं किया है। नहीं, ये रास्ते से तो आता है। छोटा लिया ये तो एक ही है, ये देखिए ना आपसे क्यों एक तो छोटा लिया है, एक तो छोटा लिया आपसे। और ये वाला इस टाइप का कलर है, ब्राउन टाइप का कलर है ये। आंटी एक लगाया पॉकेट में, ठीक है, ये एक पीस लिया आपसे। हाँ हाँ ठीक है। और दूसरा दूसरा है छोटा वाला था। नहीं 50 में नहीं देने, 80 में, 20 रुपये कम कर। 70 लीजिए। नहीं नहीं अच्छा लीजिए लीजिए मेरा भाई का, मेरा 80 और भाई का 70, ठीक है, 150 रुपए। तेरा कितना? 80 रुपए। छोटा छोटा लिया, छोटा वाला लिया, 150 रुपए। और ये एक ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 80 रुपए। ये 100 रुपए वाले? 80 नहीं, ये ले जाओ, छोटे ले जाओ, छोटे ले जाओ, ये ले जाओ, चलिए ठीक है, दे तो वहाँ से एक लिया था और एक ले रहा हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। और घर के लिए भी ले जाओ, छोटे टाइट लग रहा है। थोड़ा ज्यादा ले जाओ ना गिफ्ट देने के लिए, आप इतने दूर से आया। हम लोग ना टोपी किसी को गिफ्ट नहीं देते। क्यों? टोपी नहीं पहनाते, मतलब क्या होता है, आपको थक रही हूँ मैं। बड़ा चीज देंगे ये दे दो ना, देखिए तो और एक तो मुलायम समझ में आ गया माजी, छोटा चाहिए हमको। एक छोटा हो रहा था, एक बहुत बड़ा हो रहा था, ठीक है। आगे चलिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो गया। अर्चिल का गाँव, और गांव के अंदर एक घर के अंदर ही एक छोटा सा दुकान है, दुकान से थोड़ा बहुत सामान ले रहा है। और ये है एप्पल का पेड़, एप्पल शायद सब तोड़ दिया है, अभी छोटा छोटा एक दो दिख रहा है। तो थोड़े दिन में बर्फ़ गिरने वाली है, क्योंकि वेदर काफ़ी ख़राब हो चुके,
ऊपर बर्फ दिख रही और बता रहे कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी बर्फ गिरने लगेगा। तो गांव के अंदर से अभी आए और यहाँ पर एक खूबसूरत सा ब्रिज है ये देखिए, और साइड में ये देखिए रिवर, बहुत ही ज़्यादा पानी है और ठंड तो ऐसी है कुछ कुछ ही है मत। अभी भी हम लोग जैकेट टोपी वोपी लगा के रखे फिर भी बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अमिता ठंड कैसे लग रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है, ये ठंड की बर्फ़ की जो हवा निकले वो लग रही है। ठंड कम है लेकिन बर्फ़ का जो हवा है, चांदी की जो बर्फ़ का है उससे उससे जो इधर का हालत है ना, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। ये जो खूबसूरती है बहुत ही खूबसूरत है, जो ये देखिए 360 का जो व्यू दिखा रहा हूँ ये देखिए, ये व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को वापस उत्तरकाशी भी पहुँचना है। और बगीचा सेब का बगीचा है आपका? तो कौन सा महीने में चले जाएंगे? यहाँ अच्छा लगता है ना, हमें ठंडा मौसम है, गर्मी के सहन हमारे पास नहीं होता ना। कौन सा महीने में चला जाता है? महीना में कौन सा महीना मतलब कौन सा मंथ? यहाँ से जो उत्तरकाशी में चले जाते हैं आप लोग कौन से महीने में जाते हैं? यहाँ से हाँ चले जाते हैं। अभी ये सब गाँव खाली हो गया, मोटा मोटी खाली हो गया, सब गांव खाली हो गया, एक का दूसरा आदमी सब चले गए। मतलब आप भी कुछ कुछ दिनों में चले जाएंगे? एक महीने में चले जाएंगे, एक महीने के सब लोग चले गए, बस एक मतलब पाँच दस दिन में चले जाएंगे। और यहाँ पे जो है पूरा बर्फ गिर जाता है ना, ठीक है चलते हैं दीदी। ठीक है दीदी चलते हैं। यहाँ पर हेलीपैड है जहाँ से हेलीकॉप्टर चल रही है। बढ़िया सा एक व्यू है। जब हम लोग हरसिल से उत्तरकाशी के लिए आ रहे थे तो एक पहाड़ी जो रोड था वहाँ पर हम लोगों ने चीता बाघ देखा जो कि रोड क्रॉस कर रहा था। और हम लोग गाड़ी के सामने मतलब दो तीन मिनट रुका, घूम के देखा, उसके बाद चला गया। लेकिन उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ था।